हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अपना और अपने पढ़ाई का काफ़ी अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और अपना करंट को हर तरफ से अपडेट रख रहे होंगे। और आज का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से 60-40 को के बारे में, जो नियोजन नीति आई थी जिसके विरोध में झारखंड में 2 दिन की बंदी रखी गई थी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 10 और 11 जून को, ठीक है। तो इसी के लिए जो है नियोजन नीति के खिलाफ ये जो विद्रोह रखा गया था, तो इस बंदी के दौरान क्या हुआ, दूसरे दिन जो है वो पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। और हिरासत में क्यों लिया, क्योंकि दूसरे दिन जो है वो जो समर्थक थे बंदिश, जो जिन्होंने बंदी करवाई थी, वे पुलिस के साथ जो है वो उग्र हो गए और राजधानी समेत कई जगह पुलिस से झड़प गए, प्रदर्शन किया। तो इसी के चलते जो है वो ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर क्या क्या चीज़ हुई, हम लोग सब देख लेते हैं, ठीक है। तो तथाकथित 60-40 नियोजन नीति के विरोध में झारखंड बंद के दूसरे दिन छात्र संगठनों ने कई जगहों पर सड़क जाम की। रांची में कई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई। वहीं रामगढ़ के टायर मोड़ व कोठार चौक को समर्थकों ने जाम किया। बुंडू टोल प्लाजा के समीप विरोध प्रदर्शन कर रहे झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के नेता देवेंद्र महतो सहित कुछ अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया। साहेबगंज जिले में बैरिकेडिंग हटाने को लेकर छात्रों व डीसी के अंगरक्षकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद आक्रोशित छात्रों ने डीसी का पुतला फूंका। दुमका में जगह जगह सड़क जाम कर समर्थकों ने 2-3 घंटे तक यातायात बाधित रखा। पाकुड़ में छात्रों ने सुबह से ही चौक चौराहों को जाम कर दिया। जामताड़ा में दूसरे दिन रविवार को इंदिरा चौक और सुभाष चौक को 3 घंटे तक जाम रखा। गिरिडीह के डुमरी चौक व विष्णुगढ़ मोड़ के को बंद समर्थकों ने करीब 1 घंटे तक जाम रखा। बोकारो के चास आईटीआई मोड़ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। पोटरवार के तेनू चौक पर 4 घंटे तक जाम रहा। बोकारो जिले में 20 बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। धनबाद के फुटकी बलियापुर में भी जाम के कारण यातायात प्रभावित रहा। कोल्हान में भी बंद के दूसरे दिन चौक के बड़ाटाण में NH-33 जाम किया। हाता चाईबासा मार्ग 8 घंटे तक जाम रहा। खरसावा में समर्थकों ने दुकानें बंद कराई। जमशेदपुर में स्थिति सामान्य रही। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में बंद का कोई असर नहीं दिखा। इन जिलों में खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, देवघर, गोड्डा, पलामू शामिल हैं। रांची में कई जगहों पर समर्थकों ने उसे हुई झड़प। आक्रोशित छात्रों ने रांची में बूटी मोड़, डोरंडा चौक, हिनू चौक समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बूटी मोड़ के शिवाजी चौक के पास बंद समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने मुहर्रम टोली निवासी संजय महतो व गोतलातू निवासी जितेंद्र महतो को हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार बूटी खिजूरा टोला व BIT के ग्रामीण बूटी में जुटे और चौक को जाम करने का प्रयास किया। पुलिस ने समर्थकों पर हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान संजय महतो व जितेंद्र महतो के निर्देश पर महिलाओं ने गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही महिला पुलिस बल सदर इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, खेलगांव थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो व BIT थाना प्रभारी सुमित कुमार के आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया। देख सकते हैं तस्वीर में भी कि किस तरह से रांची के बूटी मोड़ के शिवाजी चौक पर बंद समर्थकों के साथ हुई झड़प। इन जिलों में कोई असर नहीं दिखा है, ठीक है, और छात्र नेता को हिरासत में भी ले लिया गया। पूरा मामला ये जो 60-40 का, ये मैंने अलग से एक वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो कि मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगा ऊपर में, ठीक है, वहाँ से आप जाकर इसको देख सकते हैं। वैसे मैं ओवरऑल बता दूँ कि ये मामला ये है कि झारखंड में जो भी आपके रिजर्व कैटेगरी में आते हैं ST SC या OBC, उनको अब तक इस
नीति के तहत, इसने उच्च नीति के तहत यह है कि 60% जो आरक्षण है वो इनको मिलेगा झारखंड के मूल निवासियों को, यहाँ के लोकल छात्रों को, और 40% जो है वो ये ओपन टू ऑल ऑल रहेगा, जिसमें कोई भी देश के किसी भी कोने से आकर इस 40% के दायरे में आकर नौकरी प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ के छात्रों की मांग ये है कि ये 60-40 जो है ये 90-10 में बदल जाए, यानी कि 90% जो है वो यहाँ के लोकल स्टूडेंट को नौकरी मिले, ठीक है, मूल निवासी को, और 10% आप ओपन टू ऑल रखिए। तो इसी के 60-40 का विरोध करने के लिए, इस नियोजन नीति का विरोध करने के लिए 2 दिन की बंदी बुलाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये झड़प हो गई समर्थकों के द्वारा, ठीक है, इसलिए न्यूज़ में आ गया, इम्पोर्टेंट भी है, जानना भी चाहिए, अपडेट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी क्या राय, आपको अगर कुछ सवाल उठता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई को एक अपडेट इस चीज़ से मिलता रहे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।